आ गया हूँ एक फैक्ट्री के अंदर, और जहाँ पे ये पीवीसी पाइप्स बनती हैं, आपके जो घरों में टंकी लगाई जाती है वो बनती है, और जो सीमेंटेड ब्रिक्स होती हैं इस तरह से आप देख रहे हैं ये बनती हैं। तो ये कैसे कैसे बनती है और किस तरह की मशीन इसके लिए यूज़ की जाती है ये मैं दिखाऊँगा, और ये फैक्ट्री किस तरह से डिज़ाइन की गई है, क्या क्या मशीन यहाँ पर लगी है ये भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलिए चलते हैं। देखिए ये मशीन जो आप अपने सामने देख रहे हैं, इसमें ईंटा बनाया जाता है, और ये जो ब्रिक्स ये ईंटे हैं सीमेंटेड, ये आप देख रहे हैं ये यहाँ पे जो पड़े हुए हैं, और इस मशीन के अंदर इसको रख के प्रेस किया जाता है। सबसे पहले जिस मशीन में इसका पूरा सॉल्यूशन बनाया जाता है, यानी कि घोल बनाया जाता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो ये आप मशीन देख रहे हैं, इसमें पहले सबसे पहले घोल बनाया जाता है जो सीमेंट है उसका, और जो बजरी वगैरह है उसका, और साथ में जिस कलर का ईंटा तैयार करना है वो कलर भी यहाँ मिला के उसे मिक्स किया जाता है। मोटर लगी हुई है, ये गोल गोल घूमती है, और फिर ये मशीन पूरी जो है वो राउंड राउंड घूमने लगती है, और इस जो घोल है उसको मिक्स करती है। आपने देखा किस तरह से ईंटें हैं, ये जो सीमेंटेड ईंट हैं ब्रिक्स हैं उनको तैयार किया जाता है, और ये जो हैं उसके साँचे देख रहे हैं आप, साँचे पड़े हुए हैं, और इसी में इसको रख के और शेप दिया जाता है। आप देख रहे हैं कितने अलग अलग तरह के शेप जो है यहाँ पे इन्हें दिया जाता है, जिससे इस तरह की जो ब्रिक्स हैं वो तैयार होती हैं। और वहाँ अपने सामने आप देख रहे हैं वहाँ पे जो है टंकी तैयार की जाती है, पर उस सेशन में मैं बाद में ले जाऊँगा, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ जो पीवीसी पाइप है वो किस तरह से बनाई जाती हैं। ये जो मशीन है अपने सामने देख रहे हैं, सबसे पहले जो ये पूरा पाउडर है यूपीवीसी का ये इसमें डाला जाता है, और इसके बाद ये आता है प्रोसेस यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा जो सॉल्यूशन है वो मिक्स होता है, और मिक्स होने के बाद ये पाइप तैयार होती है, और वहाँ पे हीट होती है पाइप, और हीट होने के बाद वहाँ पे ठंडा किया जाता है। आप देख रहे हैं वहाँ पे पानी गिर रहा है किस तरह से, तो वहाँ पे उसे वापस से ठंडा किया जाता है, और इसमें आता है ये पाइप के थ्रू जो है पूरा घोल, इस मशीन से ये पाइप के थ्रू आ रहा है और वहाँ तक जा रहा है, और वहाँ पे हीट होके वहाँ पे ये पाइप बनके निकल रही है। बाद जो वो मशीन आप उधर देख रहे हैं उसमें कटिंग होती है पाइप की, अगर 20 फुट पे सेट किया गया है तो 20 फुट पे कट हो जाएगी अपने आप, अगर 10 फुट पे सेट किया है तो 10 फुट का पाइप कट हो जाएगा अपने आप, और वो 10 फुट का पाइप बनके तैयार हो जाएगा। अब ये जहाँ पे टंकी बनती है वहाँ पे आ गए हैं, उस फैक्ट्री में हम आ गए हैं, और पहले ये मशीन से ये दाना बनाया जाता है, और इसके बाद इसको क्या किया जाता है, पीसा जाता है। अच्छा, उसमें चक्की पे पीसा जाता है, पीस के पाउडर बनाया जाता है। जिस कलर का पाउडर रहेगा उसी कलर की टंकी बनेगी। हाँ हाँ, इसके अंदर क्या होता है, ये इसके अंदर पानी की टंकी निकाला जाएगा, और वहाँ हीट होता ही है, अब वो वहाँ हीट होता है उसके अंदर, इसमें क्या हो रहा है, इधर से कंट्रोल हो रहा है पूरा।
पे आप देख रहे हैं किस तरह से जो है टंकी को तैयार किया जाता है, और वहाँ पे वो टंकी हीट होती है और उसके बाद ये निकलती है। और ये जो खाँचे हैं इनमें जो है टंकी को शेप दिया जाता है, और उसी शेप में और उसी डिज़ाइन में और उतनी बड़ी ही टंकी तैयार होती है जितना बड़ा जो ये खाँचा है। तो कितना टाइम लगता है, मतलब एक दिन में कितना टंकी बनती है? एक दिन के हिसाब से नहीं बनता है। एक दिन के हिसाब से नहीं बनता है। तो जैसे आपने बताया कि एक दिन में एक ट्रक जो माल है वो तैयार हो जाता है? नहीं, हो जाता है, जैसे अगर आप जैसी लेयर बनवाएंगे उस हिसाब से वहाँ चलो बनता है। अच्छा, जैसे थ्री लेयर हो गया, फोर लेयर हो गया, फाइव लेयर हो गया, सिक्स लेयर हो गया, सेवन लेयर हो गया। अच्छा, तो उसी हिसाब से बनता है। तो मतलब लेयर के हिसाब से होता है कि कितना लेयर टंकी बन रही है? हाँ, लेयर। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने लेयर तक की टंकी बन जाती है? मैं यहाँ सात लेयर तक टंकी बनाता हूँ। अच्छा, सात लेयर तक टंकी आप यहाँ पर बनाते हैं? सात लेयर टंकी बनाता हूँ, बाकी फोम की टंकी भी बनाता हूँ। तो आपने जाना कि कितने लेयर तक की टंकी ज़्यादा से ज़्यादा बनती है यहाँ पर? सात लेयर तक जो है वो टंकी बनती है। और काफ़ी जगह आपने देखा होगा सिंगल लेयर भी होता है, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, यहाँ तक तो मैंने भी सुना था, और अब मुझे पता चला है कि सेवन लेयर तक भी टंकी यहाँ पे बनती है। तो ये जो है ये बाहर निकला है वो हीटिंग मशीन में से, और अब इसे खोला जा रहा है, पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। तो इसके अंदर से अभी टंकी है जो निकलेगी, जो आप अभी आपने सामने देखेंगे। जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये सिक्स लेयर टंकी निकली है बाहर, और इसमें सिक्स लेयर टंकी ही हैं जितने भी ये खोले जा रहे हैं। ठंडा होने पे बाहर निकाली जा रही है। इस तरह से ये सारे जो साँचे हैं इनमें से जो सिक्स लेयर की है वो टंकी बाहर निकलेगी। इसका ढक्कन निकाल दिया गया और ये देखिए ये टंकी पूरी तरह से ये तैयार बाहर निकल गई है, और अब इसे चेक किया जाएगा, और अगर पूरी तरह से ये सही निकलती है तो इसे पास कर दिया जाएगा। अंदर की तरह से देख सकते हैं ये 500 लीटर लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये जो सारी टंकी है जो इन खाँचों में से निकल रही है वो 500 लीटर की ही है। देख रहे हैं उस हीटर में से निकल रहा है टंकी का खाँचा, और ये यहाँ पे जब इसे रखा जा रहा है तो यहाँ पे एक सामने फैन लगा हुआ है जिसकी वजह से इसे ठंडा किया जा रहा है, और ठंडा करने के बाद जब ये काफ़ी देर तक ठंडा हो जाता है तब ही इसे खोला जाता है उस सेशन में रखकर। इससे जो निकलेंगी वो 10 लीटर की टंकी निकलेंगी। ये RPM वाला सिस्टम है, कितना RPM बढ़ाया जाएगा और उस हिसाब से जो मशीन है ये उतनी तेज़ी से घूमेगी। तो अभी भैया हमको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से इसको RPM बढ़ाया जा रहा है, और इसका स्पीड जो है वहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है, और ये देखिए अभी स्पीड जो है ये बढ़ती जा रही है, और ये स्पीड अब बढ़ चुकी है। इस तरह से मशीन के अंदर भी जो सोल्यूशन है वो उस तरह से पिघलते हुए इसमें चिपकते जाते हैं और इसकी स्पीड और बढ़ती जाती है। इनका प्लांट था जो मैंने आपको दिखाया, और ये पूरा फैक्ट्री का वीडियो आपने देखा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और लाइक करना ज़रूर ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, उसको भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन को बगल के दबा दीजिएगा। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।